ये जो डाइवोर्स पेपर्स है ये मेरे नहीं है। अरे तेरे घर में ये पेपर तेरे नहीं है तो किसके हैं? अरे ये तो सोनाली के लिए है। हम जानते हैं शांत, तुम ये सब सोनाली के लिए कर रहे हो। सुहाना ये तुम क्या कह रही हो, मैं तो तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ ना ये सब। बड़ी माँ कम से कम आप एक बार तू तो चुप ही रह, मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। अच्छा ठीक है, ये जो पेपर है ना, गाय के पेपर, इस दिन के लिए मैंने तेरी शादी करवाई थी। कितना खर्चा किया था? अरे तीन दिन तो बसें बुक की थी, 25,000 तो गाड़ियों पे खर्च हो गए थे। कहां कहां से रिश्तेदार आए थे हमारे, अमरोहा, कानपुर, सहारनपुर, और सब लोगों को जाते वक्त हम लोगों ने कपड़े भी दिए थे। भाभी आपको याद है इंदर ने इसकी शादी का खर्चा पूरा करने के लिए अरे कितना ओवर टाइम किया था, और अब ये टाइम आ गया कि सुहाना को तलाक दे रहा है। ओए नामुराद इंदर भाई, अरे इंदर भाई, इलेश भाई, अरे कहाँ है आप लोग? अरे अजीज भाई कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताओ। अरे कैसे मनोज? अरे बढ़िया, मगर हो कहाँ आप लोग? अरे ड्रामे की फाइनल रिहर्सल आज, और आप लोगों का कुछ अता पता ही नहीं है। हाँ अजीज भाई आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। क्या आता हूँ, कहाँ जा रहे हो तुम? इंदर यहाँ घर में इतनी मुसीबत आ गई है और तुम्हें नाटक की सूझ रही है। अरे यही तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिवोर्स मेरे और सुहाना के बीच में नहीं हो रहा, बल्कि सोनाली और अभिषेक के बीच में हो रहा है। और ये जो नोटिस है ना, ये लॉयर ने सोनाली की ओर से अभिषेक को भेजा था, मैंने नहीं भेजा है सुहाना को। और तुम जरा ध्यान से पेपर देखो, कहीं भी मेरा या सुहाना का नाम है उसमें? नो। ओए तो पहले बताना चाहिए था ना। आप तो चुप ही रहो पापा, आप किसी की बात सुनते हैं क्या? किसी को मौका देते हैं बोलने का? और वो 12 स्टार्टर्स आप ही ने खाए थे, इसीलिए तो आपको बहुत परेशानी हो रही थी कि मिस्टर बाजपेयी को आप क्या जवाब देंगे, है कि नहीं? एक लड़की के चक्कर में उसने मेरा सलीम बनने का सपना तोड़ के रख दिया। ना भैया रोते नहीं भैया, आज आपने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर जो मिसाल कायम की है ना, इसे हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हट भाई, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रहा है तू। हेलो। हाँ भी राधा भाई, बात ऐसी है, भैया का फोन है मुंबई से। ऋषिका जा जल्दी से छोटी मामी को बुला ले। हाँ, माँ माँ पापा का फोन है मुंबई से। अरे भाई मुझसे तो बात कर लो, मैं रोमिंग पे हूँ। राधा बुआ पूछिए ना कि क्या हुआ, ईशान मिला, बात हुई कुछ उससे? हाँ भैया। हाँ छोटी मामी कहाँ रह गई आप, जल्दी कीजिए। क्या हुआ भाई, हट हट ना तू। राधा पूछो ना उनसे कि एक दो घंटे हो गए मुंबई पहुँचे हुए, अब फुर्सत भी लिए फोन करने की। हाँ भैया हम लोग पता है कितना परेशान है, और आपको आप फुर्सत मिल रही है फोन करने की। अरे तो क्या तुम लोगों को मैं एयरपोर्ट से ही फोन घुमा देता, पहले ईशान से भी तो बात करनी थी कि नहीं मुझे? राधा बहुत पूछिए ईशान से बात हुई कि नहीं, कंटाप दिए कि नहीं उसे? एक तो ऐसी हरकत की है ना उसने, मामू से कहिए कि अच्छे से खबर लीजिए ईशान की। घर का फोन भी किया जा रहा है, लगता है मामू का फोन होगा मुंबई से। कितनी लंबी बात कर रहे हैं ये लोग, आई होप एवरीथिंग इज ओके। या आई होप सब ठीक हो जाए। Still can't believe this. चीजू का अफेयर? नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। ना विश्वास किसी को नहीं हो रहा था, पर भाभी ने खुद अपनी आंखों से देखा